नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आपका स्वागत करती हूं सत्ता संग्राम में राजनीतिक विशेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। अब बात भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की। अनिल जी, इस बार जो भाजपा से हैं वो वर्तमान जो सांसद हैं वो मैदान में हैं और कांग्रेस ने रामपाल शर्मा को मैदान में उतारा है, क्या वहां की गणित इस समय बैठ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भीलवाड़ा में 16 बार में से 8 बार ब्राह्मण जीते हैं। ऐसा मान्यता भीलवाड़ा के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि वो ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट है जी। हालांकि सुभाष बैडिया 2 बार से सांसद हैं, एक बार पहले बने थे, एक बार अभी बने, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य हैं, माहेश्वरी हैं। और इससे पहले वीपी सिंह 2 बार सांसद रहे। वीपी सिंह जो इस वक्त पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह, वो 2 बार सांसद रहे हैं वहाँ से, और 2-2 बार सांसद रहने का सिलसिला लंबा है वहाँ पे। गिरधारीलाल व्यास जो पीसीसी के अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के, वो भी 2 बार सांसद रहे। और रमेश चंद व्यास, बैरिस्टर रमेश चंद व्यास, सन 70 में 60 के दशक में, वो भी 2 बार सांसद बने। तो 2 बार रमेश चंद व्यास बने बैरिस्टर, 2 बार गिरधारीलाल व्यास बने सांसद, 2 बार वीपी सिंह बने, 2 बार सुभाष बैडिया बने, और 2 बार हेमेंद्र सिंह बनेड़ा, बनेड़ा राज परिवार के हेमेंद्र सिंह बनेड़ा, वो 2 बार सांसद वो भी बने। तो 2-2 बार बनने का सिलसिला 5 आदमियों के साथ चला है वहां पे। तीसरी बार कोई नहीं बना अब तक। तो अब ये सुभाष बैडिया अगर जीत के आएंगे तो तीसरी बार बनेंगे, तो तीसरी बार बनने का इतिहास बनेगा। अब तक तो जो भी बना है वो 2 बार ही बना है। इसके अलावा रामपाल उपाध्याय 1 बार बने, शिवचरण माथुर बने, ऐसे अलग अलग उस वक्त पे। लेकिन भीलवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी आरंभ से 1951-52 के चुनाव से एंटी कांग्रेस थी। रामराज्य परिषद जो कि उस समय के राजा महाराजाओं की पार्टी थी, क्योंकि मेवाड़ में राजघराने बहुत प्रबल हैं शुरू से ही, बनेड़ा, बिगोद, आसीन, ये सब मानलगढ़, तो ये सब राजघराने मिलकर के उन्होंने, जब शाहपुरा दरबार खासतौर पर, तो रामराज्य परिषद उन्हीं की पार्टी थी, राजे रजवाड़ों की। तो पहला चुनाव हरिराम ने जीता, वो रामराज्य परिषद के थे 51 का चुनाव। लेकिन अगले चुनाव में रमेश चंद व्यास जो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर उस जमाने में वकीलों को जो बड़े इंग्लैंड में लंदन पढ़ के आते थे, बैरिस्टर कहा जाता है। हाँ, तो बैरिस्टर रमेश चंद व्यास वहां से जीते। लेकिन उसके बाद फिर कालूलाल श्रीमाली जीते जो देश के शिक्षा मंत्री बने, उसके बाद शायद उपचुनाव हुआ वहां पर, और उसके बाद में भी 4 बार कांग्रेस जीती। लेकिन फिर जब से जनसंघ बनी, 71 में जनसंघ जीत गई, हेमेंद्र सिंह बनेड़ा जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीते 71 में, और हेमेंद्र सिंह बनेड़ा के बाद में 77 में रूपलाल सोमानी जनता दल के थे, वो महेश्वरी थे, पर उस वक्त जनता दल के चुनाव में महेश्वरी ब्राह्मण कोई कुछ नहीं होता था। जनता दल मतलब जनता दल, कांग्रेस को हराना है, एमरजेंसी की बात का चुनाव था। उस वक्त रूपलाल सोमानी बने। रूपलाल सोमानी के बाद में, उसके बाद एक बार शिवचरण माथुर बने, फिर सुभाष बैडिया बने, फिर रामपाल उपाध्याय बने, फिर 2 बार वीपी सिंह बने, और फिर सीपी जोशी जो राजसमंद नाथद्वारा के थे वो वहां गए, डॉक्टर सीपी जोशी जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो अच्छे बहुमत से जीते। उन्होंने बहुत काम भी किया वहाँ पर, चंबल का पानी लाने का, मेमो कोच फैक्ट्री बनाने का, रेलवे की फैक्ट्री बनाने की शुरुआत करने का, वो सब काम उनके नाम लिखे जाते हैं, 4 लेन 6 लेन सड़क बनाने का, बहुत उनको विकास पुरुष की तरह देखा जाता है वहाँ पर। लेकिन अगली बार वो वहाँ से नहीं लड़े जी। और अब नहीं लड़ रहे हैं वो इस वक्त भी। अगली बार अशोक चांदना लड़े थे कांग्रेस से, वो हार गए थे, क्योंकि डिलिमिटेशन में बूंदी का हिंडोली विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में आ गया था जी। तो थोड़ी सी भीलवाड़ा की एनाटोमी बदली संसदीय क्षेत्र की, लेकिन हिंडोली के आ जाने से थोड़ा गुजर बहुल हो गया। हिंडोली बूंदी का गुजर बहुल इलाका है, आसीन में सवाई बोझ का मंदिर है जो गुजरों का आराध्य देव है, तो इसलिए वो थोड़ा गुजर बहुल हो गया। और जाजपुर सीट है जहाँ पर, जाजपुर में मीणा काफी है, तो ये एक मिक्स सी कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन 3 लाख के ऊपर ब्राह्मण वोट हैं। और सुभाष बैडिया 2 बार वहां सांसद रह चुके हैं, इस बार निवर्तमान सांसद है, इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं। सुभाष बैडिया को फिर पार्टी ने टिकट दिया है। या मैं बात बताना चाहता हूं, सुभाष बैडिया की राजनीतिक सक्रियता बिल्कुल नहीं के बराबर है। वो जनता के बीच जाकर कोई काम करने में विश्वास नहीं करते, संघ को 5 साल तक संतुष्ट रखते हैं, संघ परिवार उनके टिकट जुटा के लाता है, और टिकट मांगने भी शायद नहीं जाते होंगे, तो संघ के नागपुर से और संघ के कार्यालय से उनका टिकट तय हो जाता है और वो चुनाव लड़ लेते हैं। और संघनिष्ठ लोगों का इलाका है बीजेपी के, वहां पर संघ का बड़ा भारी काम है, विश्व हिंदू परिषद का बड़ा भारी काम है, भारत विकास परिषद का बड़ा भारी काम है भीलवाड़ा में,
वो सब मिलकर के और पालकी ढोकर के बीजेपी के आदमी को, वीपी सिंह को भी इस तरह जिताया, सुभाष भेड़िया को भी इस तरह जिताया, तो विठल शंकर अवस्थी जो एमएलए बन रहे वो भी इसी तरह जीतते हैं। रामपाल शर्मा की अगर बात करें तो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना इनके सामने मजबूती कर रहे हैं? रामपाल शर्मा डॉक्टर सीपी जोशी के राइट हैंड है, डॉक्टर सीपी जोशी के नोमिनी माने जाते हैं। रामपाल शर्मा यूआईटी के अध्यक्ष थे वहां पर, और यूआईटी अध्यक्ष रहते हुए भीलवाड़ा में विकास के उनके काम किए हुए, सड़कें जिस तरह उन्होंने चौड़ी कराई, सबको उन्होंने उसका मुआवजा दिलवाया, कोई भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस के लोगों के भी मकान टूटे, मैं इस बात का साक्षी हूँ, फुटपाथ तोड़ने में, दुकान तोड़ने में, मकान तोड़ने में कोई संकोच भेदभाव उन्होंने नहीं किया। आज भीलवाड़ा की सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं, आज भीलवाड़ा में काफ़ी काम इस तरह का हुआ है जो रामपाल शर्मा यूआईटी चेयरमैन थे उन्होंने शुरू किया था, इसलिए उनकी मुखालफत भी हुई और उनके मन, उनके प्रति एक सम्मान का भाव भी वहाँ के लोगों के बीच रहा। अभी मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ अपने दर्शकों को। भीलवाड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव में 3 ब्राह्मण उम्मीदवार जीते, एक कांग्रेस से और 2 बीजेपी से। कैलाश त्रिवेदी सहाड़ा गंगापुर से जीते, वो कांग्रेस के थे। विठल शंकर अवस्थी और गोपाल खंडेलवाल, खंडेल ब्राह्मण है इसलिए खंडेलवाल हैं, वो मांडलगढ़ से, ये दोनों बीजेपी के टिकट पर जीते। मुझे, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ अभी, भीलवाड़ा में ब्राह्मण समाज इतना संगठित हो गया है, उसने ये एक तरह से ऐलान कर दिया था कि ये 2 तो बीजेपी के जिताना है, एक कांग्रेस का जिताना है, जिताना ब्राह्मण ही है। तो कांग्रेस बीजेपी का कोई भेद उनमें नहीं है, चाहे संघ के लोग हैं चाहे संघ के नहीं है, सारे एकजुट हो जाते हैं। कल रविवार को वहां पर 16 गोत्र हैं ब्राह्मणों के, 16 ही गोत्र के अध्यक्ष संगठन के जिला स्तर पे, और महामंत्रियों की मीटिंग हुई और बुद्धिजीवी ब्राह्मण समाज के सारे मिले। और मेरे पास ये सूचना है जो शायद पहली बार सार्वजनिक हो रही है मेरे मुंह से कि 16 गोत्र के ब्राह्मणों के अध्यक्ष और महामंत्री संगठनों के, बुद्धिजीवी और महिला संगठन की अध्यक्षाएं, सबने एक राय होकर तय किया गया है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने, कांग्रेस ने ब्राह्मण को टिकट दिया है। हमारा दायित्व है कि पार्टी के इस फैसले का ब्राह्मण समाज एकजुट होकर समर्थन करे, और हो सकता है अगले 5-7 दिन में ब्राह्मण पोलराइज होकर, चाहे वो संघ के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कैसे भी हों, चाहे विठल शंकर अवस्थी को वोट दिलाया हो, चाहे बल्कि वो विठल शंकर अवस्थी और गोपाल खंडेलवाल के सामने भी ये कहने वाले हैं कि हमने तुम्हें जिताया था क्योंकि तुम ब्राह्मण थे जी। अब तुम ब्राह्मण होने के नाते इनका साथ दो, हालांकि पार्टी लाइन से बंधे हुए नहीं दे सकते, पर ब्राह्मण समाज तो दबाव डालेगा उन पर, ये तय हो गया है। तो ये 3-3.5 लाख वोट जैसे एकजुट होने लगे हैं, वैसे ही महेश्वरी, चूंकि काफी है भीलवाड़ा में जी। और महेश्वरी समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सोनी 2 बार के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, 8 साल के, वो भी भीलवाड़ा में संगम ग्रुप के मालिक हैं, और भीलवाड़ा में महेश्वरी समाज का बड़ा बड़ा रॉब भी है, काम भी है, इंडस्ट्री पर उसका कब्जा भी है, और खुद लक्ष्मीनारायण डार जो विधान, जो वहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी महेश्वरी हैं। तो वैश्य समाज के एकीकरण की बात अब शुरू होगी ऐसा मुझे लगता है, और ये वोट तो पोलराइज होंगे ऐसा लगने लगा है जाति आधार पर, जैसा मुझे इंप्रेशन पड़ा भीलवाड़ा की यात्रा करने पर। तो ये नवीन एक फिनोमिना है कि आप भले मोदी की तरफ देख रहे हो, भले आप बीजेपी को वोट दिलवा रहे हो पहले पिछले चुनाव में, भले बीजेपी सरकार लाने की कोशिश कर रहे हो, ब्राह्मण खड़ा हो गया तो सारे ब्राह्मण एकजुट होने की तरफ अग्रसर हैं। अगर वो एकजुट हो गए तो फिर महेश्वरी और श्वेतांबर, दिगंबर जैन और अग्रवाल, इनमें भी, वैश्य समाज में भी ऐसी आवाज उठ सकती है और वो बहेड़िया के पक्ष में लोग इकट्ठे हो सकते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहेड़िया की के प्रति पब्लिक ओपिनियन कोई बहुत अच्छी हो, सार्वजनिक रूप से अच्छा काम हो, ऐसा नहीं है, पर वो साधारण आदमी तरह रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी के तबादले में नहीं पड़ते, किसी का अच्छा काम भी नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते, तो उनके दुश्मन उस तरह नहीं है, सिवाय एक लक्ष्मीनारायण डार के साथ उन्हें पंगा लिया था जब वो UIT चेयरमैन बने थे, वसुंधरा राजे ने बनाया था, तो उन्हें विधायकी से इस्तीफा दे दिया नाराज होकर, और विधानसभा में उस दिन तक नहीं गए जब तक वो विधायक थे और लक्ष्मीनारायण डार UIT चेयरमैन थे, तो वो विधानसभा में ही कदम नहीं रखा उन्होंने, और वही लक्ष्मीनारायण डार आज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आज वो फार्म भर के आए, नामांकन भर के आए, उन्हीं नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये समय की बलियारी है जी, कि कल के दुश्मन आज के दोस्त जी। अनिल जी, चलिए ये बात हुई कि जो बहेड़िया है उनको संघ उनके साथ है और रामपाल शर्मा के साथ ब्राह्मण समाज लग सकता है, ये समाज और पार्टी की बात हुई। हम बात करते हैं आम जनता की, आम जनता क्या चाहती है अपने प्रत्याशी से, क्या वहां के मुद्दे हैं, भीलवाड़ा के मुद्दे क्या हैं? रामपाल शर्मा ने एक बात कही हमें आज कि अगर लोगों के कंठ की प्यास बुझाने का किसी पार्टी को वोट मिलना चाहिए तो हर आदमी के एक वोट पर कांग्रेस का हक है। चंबल से पानी लेके आई है कांग्रेस, जो सीपी जोशी ने जिस काम प्लान किया, शुरू किया, मंजूर कराया
और पानी आया। हालांकि आया बीजेपी के राज में तो बीजेपी के लोग श्रेय लेते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सीपी जोशी की ही योजना थी, उन्होंने शुरू कराई और उनके एलोकेशन के बाद ये काम हुआ। ऐसे ही जो कोच रेलवे कोच फैक्ट्री इसका काम बंद हो गया, तो वो जो चंबल के पानी पिलाने की बात है उसको लेकर कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। भीलवाड़ा में चंबल से क्या पानी रेल से आता था, पानी की रेल आती थी भीलवाड़ा में जी, पांच साल चार साल पहले तीन साल पहले तक जी। और पानी की रेल आती तो मारामारी मच जाती रेलवे स्टेशन पर पानी के पीपे भरने के लिए, वो दृश्य मेरी आंखों का देखा हुआ है। आज पाइपलाइन से पानी आ रहा है चंबल का भीलवाड़ा में, तो ये कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा रहेगा कि अगर हमारे काम का पानी की प्यास बुझाने का एक वोट पड़ता है तो वो एक वोट हमारा हक है, हमें दो। तो ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस का रहेगा। रामपाल शर्मा ने चूंकि यूआईटी में रहते हुए काफी काम किया, मुआवजा दिलाया लोगों को, मकान तोड़े तो दुकान तोड़ी तो मुआवजा दिलाया, तो रामपाल शर्मा उस आधार पर भी विकास पुरुष की अपनी छवि को बुनाने की कोशिश करेंगे। भेड़िया सीधे साधे आदमी है, स्कूटर पे घूमते हैं, करोड़पति अरबपति, लेकिन वो स्कूटर पे घूमते हैं, चप्पल पहन के रहते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं और बिल्कुल मतलब ऐसा लगता ही नहीं देख के कि वो सांसद भी हैं दो बार के और विधायक भी रह चुके हैं। तो वो उनकी सीधी सादगी वाली छवि और संघनिष्ठ होने की अपनी जो तपस्या है या संघ के प्रति उनका जो समर्पण है जी, उस समर्पण को बुनाने की कोशिश करेंगे जी। चलिए अनिल जी, समय अब थोड़ा कम है, फिलहाल इजाजत लेते हैं, फिर आपको लेकर आएंगे और जो राजस्थान में इस समय जो माहौल है चुनावी माहौल उस पर आपका विश्लेषण जानते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।